और चलिए अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की अहम खबरों का। सीहोर के बुधनी में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों से संवाद करते हुए राशि का वितरण किया, जिसके तहत कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बुधनी के चौराहे पर खिलौना दुकानों के सामने किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी के लकड़ी खिलौना व्यापारी राजेश कलेवाल से वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हुए संवाद स्थापित किया, उनसे बातचीत की। इस दौरान सीएम ने राजेश से अलग अलग योजनाओं के बारे में पूछा, जिसमें हितग्राही राजेश ने बताया कि उन्हें शासन की ओर से चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं का लाभ मिला है। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, इसके अलावा अलग अलग खिलौना व्यापारी भी वहां मौजूद रहे। वहीं भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग केंद्रीय जेल में जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी कार्यक्रम में उपस्थित दिखी। प्रज्ञा ठाकुर ने जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मांग की। उन्होंने कहा, कृष्ण जन्माष्टमी पर हर साल स्वादिष्ट पकवान कैदियों को मिलने चाहिए। कैदियों के लिए जेल में जरूरी सामान के लिए कैंटीन खोलने की भी मांग के साथ साथ कैदियों के लिए जेल में ही कैंटीन खोलने की मांग की। इस दौरान जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ऐलान किया कि प्रदेश के सभी कैदियों की 30 दिन की सजा माफ हो जाएगी और जेल में कैंटीन खोली जाएगी। दतिया में अल्पसंख्यक को कुचल कुचल के मार दिया, कांग्रेस उस पर कमेटी बनाए ना कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी उस पर क्यों नहीं बोले? ये शांति भंग करने के पीछे इस तरह की भी मानसिकताएं काम कर रही है। उधर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे की आज जयंती है। प्रदेश में बीजेपी संगठन उनके जन्म शताब्दी को संगठन पर्व के रूप में मना रहा है। स्वर्गीय ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बीजेपी कार्यालय में कुशाभाऊ ठाकरे की प्रदर्शनी लगाई गई, जहाँ प्रदर्शनी में कुशाभाऊ ठाकरे के विचारों को कार्यकर्ताओं को बताने के लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। ग्वालियर में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ के 100 साल पुराने सिंधिया रियासतकालीन फूलबाग में बने गोपाल कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का करोड़ों के हीरे ज्वारात जड़ित गहनों के साथ विशेष श्रृंगार किया गया है। हर साल गोपाल कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का इसी तरह से श्रृंगार किया जाता है। साल में सिर्फ आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण को सिंधिया राजवंश की तरफ से दिए गए गहनों को धारण कराया जाता है। इन गहनों को कड़ी सुरक्षा में बैंक से लॉकर से निकलवाकर मंदिर तक लाया जाता है, भगवान को पहनाए जाते हैं। मंदिर की सुरक्षा में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाती है। श्रद्धालुओं को कोविड-19 गाइडलाइंस का भी पालन करने का सख्त निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है और इसी के तहत वहाँ पर दर्शन करने की व्यवस्था बनाई गई है। 24 घंटे तक भगवान करोड़ों रुपए के आभूषण धारण किए रहेंगे और भक्तों को इस दौरान उनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, उनकी विशेष आरती देखने का मौका मिलेगा, उन्हें मक्खन मिश्री का भोग भी लगाया जाएगा। मौके पर मौजूद नगर निगम के अधिकारियों ने बैंक लॉकर से लाए गए आभूषणों का मिलान किया, उसके बाद ही भगवान को उन्हें पहनाया गया। नागरिकों को जन्माष्टमी और कृष्ण जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये यहाँ की समृद्ध परंपरा है कि बहुमूल्य जेवरातों से भगवान का श्रृंगार किया जाता है और जो विरासत है उसका हम पूरी तरह से संरक्षण सब मिलकर कर सकें, उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। कोविड महामारी को देखते हुए जो व्यवस्था हैं आप सबसे उससे अवगत हैं और मैं पूरी यही उम्मीद रखूँगा कि सभी लोग मिल करके इस आनंद उत्सव को मनाएँ। पूरे देश में जहां कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है, वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल के वैष्णो देवी धाम मंदिर में भोपाल के सबसे बड़े लड्डू गोपाल विराजमान हैं।
देश की तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अगर इस मंदिर की बात की जाए तो काफ़ी देखने को मिल रहा है कि भोपाल के सबसे बड़े लड्डू गोपाल जो हैं यहाँ पर स्थापित किए गए हैं और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि साज सज्जा जो है उनकी भी उसी तरह से की गई है। चंद्रशेखर जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे बड़े लड्डू गोपाल हैं भोपाल के, क्या खासियत है, कब लाए हैं? माँ वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर पर 6 वर्ष पूर्व एक मंदिर से जुड़ी हुई माता जी हैं, उन्होंने कहा कि एक लड्डू गोपाल हम लाना चाहते हैं, तो मेरा उनसे निवेदन था कि माता जी थोड़ी बड़ी प्रतिमा हमें लाना है, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप आर्डर दे दीजिए जितनी भी बड़ी आए। तो अलीगढ़ से हमने 6 वर्ष पूर्व इसको बुलाया है और लगभग 2.5 फीट से ऊपर इस प्रतिमा की हाइट है और ये भोपाल के सबसे बड़े लड्डू गोपाल हैं, जो कि 31 किलो इनका वजन है। और अलीगढ़ से हमने विशेष तौर से आकर इनका पंचामृत से अभिषेक किया। युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा जाता है, काफ़ी पसंदीदा त्यौहार माना जाता है, किस तरह से आप लोग इसे एंजॉय, आप लोगों के लिए भी एक त्यौहार काफ़ी एंजॉय किया जाता है? जी, जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया, पंडित चंद्रशेखर। चलिए, इसी के साथ मध्य प्रदेश की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।